नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। नारनौर में 103 mm बारिश होने से शहर पूरी तरह तालाब में तब्दील हो चुका है, जबकि इससे पहले 2018 में 133 mm बारिश होने का रिकॉर्ड है। जिला उपायुक्त निवास भी बारिश के कहर से नहीं बच सका और तालाब में तब्दील हो गया। नारनौर में बारिश ने प्रशासन के दावों की पोल खोलकर रख दी है। पूरा शहर जलमग्न हो चुका है, जबकि बारिश से पहले प्रशासन ने जल निकासी की उचित व्यवस्था के दावे किए थे। अनाज मंडी के साथ साथ नारनौर के कई मुख्य स्थान तालाब में तब्दील हो चुके हैं। अनाज मंडी में जलभराव के चलते लाखों रुपए के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। इसी दौरान मीडिया का कैमरा देख व्यापारी की आंखों से आंसू छलक गए। जलभराव के चलते प्रशासन के खिलाफ लोगों में भारी रोष है। तकरीबन पिछले 4 महीने से सीवर लाइन का काम चल रहा है। प्रशासन की लापरवाही के चलते अब तक सीवर का काम पूरा नहीं हो पाया है। राहगीरों और काफी वाहनों को सीवर लाइन के आधे अधूरे काम के कारण परेशानी झेलनी पड़ रही है। नारनौर से हमारे संवाददाता गोशन कुमार की रिपोर्ट। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।